जमुआ प्रखंड पलमू पंचायत में चल रहा था आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम। वहां पर उपस्थित नाजीर JSPL पंचायत समिति JSM आंगनबाड़ी सेविका तथा कंप्यूटर ऑपरेटर नोडल पदाधिकारी, मगर इन सब के बीच में गायब था तो वहां का मुखिया पंचायत सेवक सेविका यानी कि जिसकी बदौलत ये कार्यक्रम चलाया जाना था वो सारे अभी हड़ताल पे गए हुए हैं। और इससे सबसे बड़ी असुविधा आम जनता को हो रही है और उनका कहना है कि मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं आवेदन ठीक से भर नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काउंटर क्या है नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। भीड़ इस बात को भी लेकर के है कि 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत मिलेगा, मगर सवाल ये उठता है कि ये जो आपकी योजना आपके द्वार ये जो कार्यक्रम चलाना था इसके पीछे मकसद था सरकार का कि आम जनता तक सीधा जो सरकार का जो मुहिम है जो योजना है उसको मिले, मगर ये मिलता नजर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद जमुआ से ग्रीडी। शिवपुटी लक्ष्मण यादव, पालमा पंचायत का पंचायत समिति हम ही हैं। जिनको जरूरी है सही कराना है तो यहाँ आवे। इंटरव्यू नहीं करवाई पंचायत में, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितना परसेंट में लोगों का काम यहाँ पे हो पा रहा है? मैं अनिल कुमार गोस्वामी यहाँ का नोडल पदाधिकारी प्रतिनिधि हुआ हूँ और मैं टीम बी का नोडल पदाधिकारी और पंचायत पालमू में भी अभी संचालित कर रहा हूँ। आपकी योजना सरकार आपके द्वार सर, जैसा कि ये योजना जो है सो आप अंतिम चरण में, तो क्या 100% लोगों को फायदा मिल रहा है इस योजना से? अंतिम चरण में नहीं है, आज दूसरा दिन है शुरुआत होने का। शुरुआत होने के बाद आज का दूसरा दिन है ये, कल का पांडे डी और करिहारी, आज का कमल खान, उसके बाद आज ये यहाँ पे पालमू में हो रहा है। ये अब पिछले वर्ष तो जितना भी हुआ लगभग हम लोगों ने 100% सारा काम संपादित करवाया है हम लोगों को। क्या सभी लोगों को जो आप बोल रहे हैं 100% फायदा मिला है, क्या लोगों को वाकई में 100% फायदा मिला है? कुछ तो कमियां त्रुटियां पेपर डॉक्यूमेंट्स के अभाव में कुछ थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन मैंने उन लोगों का भी पूरा प्रयास रहा है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छा रहा ये रहा, तो लोगों का काम 100% करने का प्रयास पूरा किया गया, 100% हुआ भी है। इन डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आया है तो थोड़ा सा तो मजबूरी बन जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है उसके लेके। और अभी जैसा कि चल रहा है सर अबुआ आवास को लेकर, वैसे लोगों को अबुआ आवास मिल रही जिनको जरूरत है? देखिए अभी आवेदन के लोग हैं, देखिए कहना चाहेंगे आपको कि आवेदन अभी जो कर रहे हैं आवेदक लोगों को बुलाया गया है कि आप आवेदन कीजिए, आवेदन करने के बाद फिर क्या होता है कि हम लोगों का पंचायत ये ब्लॉक से पंचायत के लिए एक टीम गठित की जाती है, जांच टीम, वो 2-3 स्तर पर जांच टीम होती है, वो सब जाके जांच करते हैं, जिसमें पंचायत के भी कुछ प्रतिनिधिगण रहते हैं, पंचायत के भी कुछ व्यक्ति रहते हैं और प्रखंड से भी होते हैं, तो जांच होती है, जांच होने के बाद जो सभी अंतिम निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, उसका वो आवास स्वीकृत कर दिया जाता है, जो अयोग्य होते हैं जो संपन्न होते हैं वो छट जाते हैं, जांच में ये बात छट जाती है। जांच में क्या सर आप बता सकते हैं कि अभी तक कितना आवेदन आपके पास आ चुका है इस पंचायत से? इस पंचायत से लगभग आइए अभी 125 आवेदन आ चुका है और बाकी तो अभी शाम तक और भी अधिक संख्या बढ़ने की संभावना है। ठीक है, ना चाहेंगे आज जो सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या यहाँ पे इस पंचायत में लोगों को 100% फायदा मिल रहा है इस कार्यक्रम से? कुछ माताओं को जो आवास में फॉर्म छूट गया इन्हीं कारण प्रॉब्लम से, इन्हीं का जो फॉर्म भरा जा रहा है उन्हीं का हो रहा है।
60% अबू आवास का फॉर्म जो अगले बार भरा था 17 से बोलिए जोर से, कुछ महिला लोग का छूटा है, आवाज नहीं आ रहा। तो क्या यहाँ पे इस कैंप में सिर्फ अभी अबू आवास का ही फॉर्म भरा जा रहा है? जी वृद्धा पेंशन भी हो रहा है, और राशन कार्ड भी हो रहा है, आधार कार्ड भी हो रहा है, बिजली विभाग से संबंध हो रहा है, और आज उपस्थित से हो रहा है। सारे चीज का यहाँ काउंटर लगा हुआ, जिन जिन को जो चीज का प्रॉब्लम है सारा चीज दिखा जा रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? जी हम इस सरकार के इस कार्यक्रम से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। पिछले बार भी आप लोग और भरे थे, कुछ लोग बता सकते हैं कितने लोगों का काम हुआ और कितने लोगों का नहीं हुआ? हमारे पंचायत में 60% पिछले बार का फॉर्म भरा था, 60% नहीं, कुछ ही जो 40% बचा जो महिला लोग का नहीं आया था वो दोबारा फॉर्म भर रहा, इसीलिए कैंप लगाएगा सरकार के द्वारा, वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाची आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हुए? तो क्या आपका फॉर्म जमा हो गया है? अच्छा, पिछले बार जो यही कार्यक्रम हुआ था सरकार आपके द्वार का, तो क्या आपने फॉर्म भरा था? अच्छा भराया, लेकिन आपको मिला नहीं। आज सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जमुना प्रखंड के पालमू पंचायत में चल रही है। जब हमने लोगों से बातचीत किया, अधिकारियों से बातचीत किया, तो पता चला कि यहाँ पे 60% भी काम हो पाया है। अब जब मैंने एक महिला से बात किया तो उन्होंने कहा कि पिछले बार भी हमने फॉर्म जमा किया था लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया। भीड़ काफ़ी है, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, और यहाँ पे काम काज बिल्कुल स्लो हो रही है, और 60% से ज़्यादा काम हो भी नहीं पा रही है। सभी हड़ताल पे हैं, पंचायत सचिव हड़ताल पे हैं, जिला सेवक हड़ताल पे हैं, मुखिया हड़ताल पे हैं, यहाँ पे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को उठाना पड़ रहा है। मैं चंदन प्रसाद जमुआ SPN न्यूज़।